फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार सरकार की जिद की वजह से लाखों की संख्या में बिहार के बाहर फंसे हुए हैं बिहारी छात्र, भी फंसे हुए हैं और फंसे हुए हैं दिहाड़ी मजदूर। इन तमाम लोगों की आवाज को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में आज RLSP की तरफ से बिहार भर में 2 घंटे का उपवास रखा गया और सरकार से कुछ मांगे रखी गई हैं। कहा गया है कि बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, बिहार सरकार उन लोगों को लाने से क्यों बच रही है, जबकि देश भर के राज्यों के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्य में या उनके राज्य के जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको ला सकते हैं, तो बिहार सरकार क्यों नहीं ला रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज RLSP की तरफ से 2 घंटे का उपवास रखा गया और आज RLSP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का उपवास के दौरान, सुनिए इस पूरे बयान में। देखिए, आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पदाधिकारी और दूसरे साथी उपवास पर बैठे हुए हैं। उपवास का कारण है क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में सब लोग लॉकडाउन में बंद हैं, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण जो और कुछ समस्या आ गई है, जैसे कुछ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, रोज काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी स्थिति बिगड़ रही है। सरकार का दावा है कि हम सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा सच्चाई से बिल्कुल परे है। तो सरकार के दावा के तहत सच्चाई क्या है, यह बात जनता के बीच ले जाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार का भी ध्यान आवे और सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें सरकार को एक तरफा फीडबैक मिल रहा है, जो शासन प्रशासन के लोग उनको बता रहे हैं उसके आधार पर सरकार अपना दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई नहीं है जो सरकार दावा कर रही है। सच्चाई यह है कि लोग भुखमरी के शिकार हैं, सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर परेशानी में हैं, कोटा में रह रहे छात्र परेशानी में हैं। अब लॉकडाउन की आड़ में पुलिस की सख्ती जरूरी है, लेकिन पुलिस ने कई जगह इस तरह की कार्रवाई की है जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो किसान लोग हैं उनकी फसल समय पर कटाई नहीं हो पाई, जिसके चलते उनकी क्षति हुई है, अब उनकी भरपाई का मामला है। अब तमाम तरह की स्थिति के रहते हुए और सीधे आंख बंद करके देखते रहा जाए और सरकार एक तरफा अपनी बात कहती रहे तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इन सवालों पर, इन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है, ताकि सरकार को फीडबैक भी मिले और सरकार का ध्यान भी इन समस्याओं पर आए। इस मकसद से उपवास का कार्यक्रम लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने तय किया और आज पूरे बिहार में हमारे साथी सब जगह उपवास पर बैठे हुए हैं। यही कारण है उपवास के रूप में हम सब लोग जो आज बैठे हैं इसके पीछे।